सहायक प्रथा चलनी किस बेस पे चलनी चाहिए, हम जवान अगर देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हो रहे हैं या सहायक के लिए भर्ती हो रहे हैं, भाई वो चीज़ें लिखित में होनी चाहिए फिर, कि हम सहायक के लिए जा रहे हैं, हम देश सेवा करने नहीं जा रहे हैं। तो हम भगोड़े हैं अगर अधिकारियों की गलतियों को, उनकी कुरीतियों को हम बता रहे हैं, तो अगर वो भगोड़े कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार जो वहाँ के अन्याय है, अगर उन चीज़ों के लिए अगर भगोड़े बना रहे हैं तो हम भगोड़े बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। हमने तो लेटर के माध्यम से ही रखा, बाकी हम इतने बड़े आदमी तो है नहीं, हमसे कोई मिलेगा? हमारा जवान कहीं से जा रहा है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं आप लोग बैठे हैं तो उठ के तालियां बजा दो। आज एक जवान कितने दिन से, आज तकरीबन धीरे धीरे 6-7 महीने से घूम रहा है, लोगों के पास गुहार लगा रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया, हमने त्यागपत्र दिया, तो वो चीज़ें भी तो अखबारों में भी तो दर्ज हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत है CCN न्यूज़ 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। हरिंदर यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं, आप अच्छे से पहचान रहे होंगे, जो कि जौनपुर से हैं और इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे थे। अब यूं कहूं थे कहूं या हैं कहूं, कुछ भी कह सकते हैं आप इस चीज़ को, लेकिन इनके साथ भी वही, हालांकि आपने लगातार देखा होगा कि हमने दिल्ली के अंदर कवरेज की थी जंतर मंतर के ऊपर, और वहां पर भी पूर्व सैनिक बैठे थे। हालांकि उनकी जो समस्याएं थी वो ORP, MSP और डिसेबिलिटी पेंशन को थी। उनके अंदर एक चीज़ और भी थी कि क्या नाम है, वो थी सहायक प्रथा, बटमैन सिस्टम, उसको लेकर के हरिंदर जी के पास हम पहुंचे थे जौनपुर से, और इनके साथ भी कहीं ना कहीं बड़े अफसरों द्वारा शोषण की जब जो सीमा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तब इन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऐसी गंदगी को छोड़ करके कि वहाँ पर मैडम के साथ या जो भी मतलब उठपटांग काम जो इनके साथ, जूते पॉलिश कराना या घर की साफ़ सफाई कराना, इस तरह के काम जब करवाए जाते हैं, उनका विरोध करके ये लोग, ये जो है हरिंदर जी, सेना को छोड़ के अपने घर आ गए। अब उसके बाद उन्होंने इनको लेटर भेजा है अब कि आप सेना से भाग गए हो, भगोड़े हो गए हो, जबकि ये भागे नहीं हैं, ये उस न्याय का विरोध इन्होंने किया है। और हरिंदर जी अब इतने परेशान हैं कि ये दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं अपनी सहायता को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी उचित तरीके से सहायता इनको नहीं मिल पाई, और अब बिल्कुल टूट चुके हैं, निराश हैं। सबसे पहले सर आपको जय हिंद करूँगा। जय हिंद, जय हिंद, राम राम, सभी दर्शकों को भी राम राम, जय हिंद। हरिंदर जी, आप दिल्ली में भी बहुत घूमे और हम लोग आपके पास जौनपुर भी पहुँचे थे, समस्या वही थी, आपने उन विसंगतियों को लेकर के अपने घर आना बेहतर समझा था। अब आपके पास एक लेटर पहुंचा है भगोड़े करके, क्या है उस लेटर के अंदर, क्या है पूरा, उसके बारे में बताओ पहले। तो लेटर तो वही है, हमें मतलब पहले ओवरस्टेक लीव का भेजे थे, जो पहले तो इन्होंने ओवरस्टेक लीव पे दिखाया, जब अच्छा। जो इन सब चीज़ों का जब मैंने बताया था जो चीज़ें चल रही थी, तो ओवरस्टेक लीव के बाद अभी उन्होंने हमें डिजर्टर का लेटर भेजा है कि आप भगोड़े हो चुके हैं फौज से, भारतीय सेना आपको डिजर्टर घोषित कर रही है। तो अभी वो कह रहे हैं कि भगोड़े, तो हम भगोड़े हैं अगर अधिकारियों की गलतियों को, उनकी कुरीतियों को हम बता रहे हैं, तो अगर वो भगोड़े कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार जो वहाँ के अन्याय है, अगर उन चीज़ों के लिए अगर भगोड़े बना रहे हैं, तो हम भगोड़े बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा हरिंदर जी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन जो दर्शक नहीं देखेंगे उनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बता देंगे क्या वो विसंगतियाँ थी कि जिनकी वजह से आप सेना में आए थे, या अधिकारी ऐसा क्या कर रहे थे जिनका आपने विरोध किया था? वो तो चीज़ें आपके चैनल पे चली थी पहले ही ऑलरेडी, वो वहाँ पे यही था कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाई जब आप हमारी जो कोर्स है, जो ट्रेनिंग है, उन चीज़ों को भी नहीं करा रहे हो आप बटमैन सहायक, तो उसके लिए कि नहीं सहायक प्रथा चलनी चाहिए, सहायक प्रथा चलनी किस बेस पे चलनी चाहिए, हम जवान अगर देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हो रहे हैं या सहायक के लिए भर्ती हो रहे हैं, भाई वो चीज़ें लिखित में होनी चाहिए फिर, कि हम सहायक के लिए जा रहे हैं, हम देश सेवा करने नहीं जा रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जब मैं बोलता हूँ, कहता हूँ, तो उन्हीं चीज़ों पे विरोध होता है, और कि भाई तू क्यों मुंह खोल रहा है, तो प्रधानमंत्री का या MLA का या मुख्यमंत्री किसका लड़का है, तो उन्हीं चीज़ों को लेके, अगर हम ये देश सेवा करने आए हैं तो हम तो ये नहीं कर सकते, और अगर ये सब करना है तो हम फिर ये भारतीय सेना इंडियन आर्मी का जॉब नहीं कर सकते, ये नौकरी नहीं कर सकते, भाई हम देश सेवा करने आए हैं, यही चीज़ें। लेकिन आपका तो विरोध करना आपको इतना भारी पड़ गया कि आप पूरी दिल्ली भर में घूम लिए, आपको नहीं रक्षा मिली, मतलब कोई भी आपको सूचित सुझाव नहीं मिला, आपने अपने जौनपुर में बहुत सारे अधिकारियों से भी बात किया, आप बता रहे थे लोगों से बात की, लेकिन विधायक से भी बात की, आपने बताया था मेरे को, लेकिन कोई आपके गाँव के प्रधान से बात करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और आपके खुद के सेना के जो अधिकारी उन्होंने आपके साथ इस तरह का किया है, और अब आपको लेटर भी मिल गया भगोड़े का, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाई अपना पक्ष रख रहे हैं, चीज़ें अभी हम कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया, हमने त्यागपत्र दिया, तो वो चीज़ें भी तो अखबारों में भी तो दर्ज हैं,
अगर ये 14 मार्च को अखबारों में, तो अमर उजाला, हिंदुस्तान, तमाम अखबार जो हमारे सब में दर्ज हैं, अभी ये कह रहे हैं कि नहीं हम भगोड़े हो गए हैं। भाई अगर कहीं भी किसी तरीके से जब इस मामले को न्याय की दौर से जब देखा जाएगा, तो तब पता चलेगा कि भाई कौन, अभी हमारे इस्तीफे देने के बाद आप भगोड़ा साबित करो, आप ओवर स्टे पहले बताओ, कुछ भी करो, तो ऐसे ही तो फिर मनमर्जी वाली बातें हो गई, आप कुछ भी कर दो। वही मनमर्जी जब आप सेना के अंदर थे आपके साथ तब हो रही थी, क्योंकि मनमर्जी थी अधिकारियों की, तभी आपके ऊपर इस तरह का सहायक प्रथा में आपको डाला जा रहा था। या और वही मनमर्जी जब आपने उस चीज़ का विरोध किया, तो कितना भारी नहीं पड़ रहा आज एक जवान को शोषण के विरोध आवाज़ उठाना। यही तो है, अभी वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी भी कहते हैं कि अगर हमारा जवान कहीं से जा रहा है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं आप लोग बैठे हैं तो उठ के तालियां बजा दो। आज एक जवान कितने दिन से, आज तकरीबन धीरे धीरे 6-7 महीने से घूम रहा है, लोगों के पास गुहार लगा रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए, कोई इन चीज़ों पे बोलने के लिए, सब जान रहे हैं कि नई चीज़ें गलत हैं, सब कह रहे हैं कि गलत होता है, जवानों के साथ गलत होता है। दिल्ली में कहाँ कहाँ आपने अर्जी लगाई, किस किस से आपके सामने अपनी बात रखी है? हमने तो लेटर के माध्यम से ही रखा, बाकी हम इतने बड़े आदमी तो है नहीं हमसे कोई मिलेगा। किस किस के पास लेटर? लेटर तो हमने मतलब ऊपर से लेके महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री महोदय जी, और उसके बाद रक्षा मंत्री महोदय जी, अच्छा। गृह मंत्री महोदय जी, और उसके बाद विपक्ष के लोगों में भी देखा जाए तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को। तो लेटर में आपने ऐसा क्या मेंशन किया है? जो वही, जो वहाँ की जो सारी चीज़ें जो जिस हिसाब से की जा रही हैं, वहाँ से कुछ लोग, एक JCO 5 जवान मारने के लिए भी आए थे, हमारे घर पे आए थे हमें पकड़ के मरवाने की, भाई काले करतूतों के हिसाब से आए थे वो लोग। तो उन सब चीज़ों के लिए भी मैं जब FIR के लिए जाता हूँ तो FIR भी वहाँ पे नहीं हुई हमारी, तो वो सब भी बातें बताया था। नहीं, FIR क्यों नहीं हुआ आपका? मतलब अभी जो भी, अभी जिस वजह से नहीं किए, बोले हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, पहले जांच करेंगे फिर करेंगे, अभी तक जांच ही होती रह गई। लेकिन देखो ये कितना गलत है, जबकि कहा यह जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आपके पास शिकायत लेने आता है तो उसकी शिकायत लिखी जाएगी, शिकायत लिखने के बाद ही तो उस चीज़ के ऊपर जाँच होगी। लेकिन जब एक भारतीय सेना का जवान जाता है उन बड़े अधिकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, बल्कि उन विसंगतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, और जब उसके पास घर पर उसको मारने के लिए जो है वहाँ पे आर्मी के बंदे भेजे जाते हैं, जवान भेजे जा रहे हैं, JCO भेजे जा रहे हैं, और जब वो अपनी शिकायत लिखाने के लिए अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं तो उनकी FIR भी नहीं लिखी गई है हरिंदर जी की, और ये कहा गया कि हम पहले इसकी जाँच करेंगे। हमारी पुलिस के अंदर इतना, भारतीय पुलिस के अंदर कब से इतना सुधार हो चुका है कि वो पहले इसकी जाँच करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि दोषी कौन है, उसके बाद इनकी कंप्लेंट लिखेंगे। यही हुआ आपके साथ? अच्छा। यही तो, वो FIR कॉपी भी हमने सबको रजिस्ट्री किया था, तो उसका दिल्ली सरकार ने जवाब दिया था कि ये आपके राज्य का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका उन्होंने एक रिप्लाई भेजा है, बाकी तो और कहीं से कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं मिल रहा है। चीज़ें तो चल रही, अभी कई चैनल पे जैसे कुछ यूट्यूबर लोग जो कवर कर रहे हैं, तो एक यूट्यूबर चल रही थी चीज़ें, लेकिन उसे भी हटवा दिया जा रहा है। अभी कौन है ताकतें जो उन चीज़ों को हटा रही हैं, डिलीट करा रही हैं, कहाँ से कौन से दबाव आ रहा है ये अभी? मतलब नेशनल मीडिया तो वैसे ही सरकार के हाथ कहीं ना कहीं बिकी पड़ी है, यदि सोशल मीडिया भी चला रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं जो सरकारी ताकतें वहाँ से भी हटवाने का प्रयास कर रही हैं। अभी ऐसा ही हो रहा होगा, तभी तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक चैनल वाले ने चलाया था लेकिन उस चीज़ को वहाँ से हटवा दिया गया, एक ही दिन में 15-16 लाख लोगों ने देखा, 14-15 लाख लोगों ने देखा था, लेकिन उस चीज़ को हटवा दिया गया था वहाँ से। अब क्या निर्णय लिया आपने, क्योंकि तमाम जगह पे आप भी घूम चुके हो, और कहीं ना कहीं निराशा मुझे अब आपके चेहरे पे नज़र आ रही है? तो निराशा तो अभी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा वही है कि अजनबी सड़कों पे, एक तरीके से हमारे लिए दिल्ली अभी अजनबी ही थी, क्योंकि मैं जब दिल्ली में पहले नहीं घूमा था और अभी आए घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊं, किसके पास जाऊं, किस तरीके से इन चीज़ों को किया जाए। लेकिन मैं यही सोच के आया हूं दिल्ली कि जो मैं फौजी संपत्ति जो होती है, जो आइडेंटिटी कार्ड जो, वो लौटाने के लिए आया हूं। मतलब आप अब अपना आई कार्ड लौटा दोगे? वो तो मैं तभी लौटा देना था, लेकिन जो हमारा फ़ोन, जो हमारी चीज़ें थी, वो छीन ली गई हैं। अच्छा, तो वो तो मैंने बताया था अधिकारियों को, जिस दिन वो सब आप हमारा रिटर्न करेंगे उस दिन हम आपका ये दे देंगे, तो उन लोगों ने नहीं करके उल्टा भगोड़े का लेटर भेज रहे हैं, तो उस वजह से मैं ये संपत्ति को लौटाने आया हूँ, और खुद रक्षा मंत्री महोदय जी से मिलके, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मिलके जल्द ही इसे लौटाने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ कि इसे लौटाऊँगा।
अब ये एक चीज़ बहुत बड़ी बात है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। आज भारतीय सेना के अंदर भर्ती होने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। और कहाँ तो भारतीय सेना के अंदर भर्ती होने के लिए एक जुनून चाहिए, लगन चाहिए, और शायद पागलपन है एक भारतीय सेना में भर्ती होने का। जब तक वो नहीं होगा तो आप किसी भी सेना में काम नहीं कर सकते। और आज ये नौबत आ चुकी है इनकी, हरिंदर जी की, जौनपुर से चलकर दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली से लगातार जौनपुर, मतलब अधिकारियों के चक्कर पे काटे जा रहे हैं। लेकिन अब ये इन्होंने फैसला किया कि मैं जो भारतीय सेना का जो कार्ड है, जिसके अंदर ये सेवा दे रहे थे अपनी भारतीय सेना में, वो कार्ड अब ये लौटाने की नौबत आ चुकी है। कितना अभी भी आपके, मैं सर के ऊपर देखो तिरंगा है आपके माथे पे, तिरंगा तो हमेशा दिल में बसा हुआ है और माथे, लेकिन अब कार्ड लौटाने की नौबत आ गई है। तो कार्ड तो हम तो तभी लौटा देते हैं, हम ये थोड़ी कार्ड को रखने का हमें अधिकार थोड़ी है। जब हम नौकरी छोड़ दी है तो हमें कार्ड रखने का अधिकार, लेकिन हम तो ये कहे अधिकारी जिस दिन आप हमारा फ़ोन ये सब चीज़ें भेज देंगे तो हम ये चीज़ें उसी दिन आपको रिप्लाई वापस कर देते हैं। लेकिन वो लोग उन चीज़ों को ना भेज के उल्टा कभी ओवर स्टिक लीव दिखा रहे हैं, कभी भगोड़ा घोषित कर रहे हैं। तब इस वजह से कि मैं भगोड़ा नहीं हुआ हूँ भाई, भगोड़ा वो सब चीज़ें प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ ये चीज़ें लेके मिलूंगा वहाँ पे डायरेक्ट, उनको लौटाऊंगा। अभी है आपके पास कार्ड, दिखाओ एक बार। कार्ड तो दिखा सकते हैं, बशर्ते कार्ड क्या है सोशल ये कैमरे के सामने नहीं करते हैं इसके ऊपर। जनरली मैं बता दूं कि ये इनके पास कार्ड है और ये बता रहे हैं कि इसको हम पब्लिकली नहीं शो कर सकते। लेकिन फिर बता दूं, ये भारतीय सेना का कार्ड है जिसके अंदर ये जॉब कर रहे थे, उस चीज़ का पहचान पत्र है। लेकिन अब लौटाने की नौबत, जिस जो अधिकारी उसके अंदर रहकर देश सेवा कर रहा हो और अब लौटाने की नौबत आ जाए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी। और उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा, लगातार दर पे दर अपनी बात रख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई उचित तरीके से सुझाव नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, हम तो यही कहें कि ठीक है, वो बात ये भगोड़े वाली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, तमाम बटमैन की सेवादारी जिसे सुरक्षा का मसला है भाई, अगर ये आप हमें ट्रेनिंग, हमारा कोर्स उन चीज़ों को न करा के आप अधिकारियों के घरों पे भेजोगे इन तरीक़ों से, अगर ये चीज़ें अगर सब लोग आज कह भी रहे हैं कि गलत हैं, ये होता है, तो भाई उसका निदान होना चाहिए, उन चीज़ों का निवारण होना चाहिए, न कि जानते हुए भी अनजान बन के बैठे रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से बाकी तमाम जितने भी जो दर्शक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यदि भारतीय सेना का जवान आज परेशान है तो हम लोगों को भी उनका तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बिना निस्वार्थ भाव से हम लोगों की जान की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े होते हैं, हमेशा सीने पर गोली खाते हैं, पीठ पर नहीं खाते हैं। और जितने भी मीडिया वाले भाई हैं मैं उनसे भी करूँगा, हम लोग और बहुत सारे विषयों के ऊपर डिबेट करते हैं, बहुत सारे विषयों के ऊपर कवरेज करते हैं, क्यों ना एक बार अपने भारतीय सेना के इस जवान के लिए कवरेज की जाए जो कि वाकई बहुत परेशान हैं। और यूपी से हम लोग यूपी भी गए थे इनके पास जौनपुर कवरेज करने के लिए, तमाम इन्हीं विषयों के ऊपर बात हुई कि जो बड़े अधिकारी हैं वो सहायक प्रथा करवाते हैं और सहायक प्रथा के अंदर इतने गंदे काम करवाए जाते हैं जवान से, आप सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे तौर पर मैं बता दूं, जैसे बूट पॉलिश करवाना, खाना बनवाना, पेड़ कटवाना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, वहाँ पे स्कूल छोड़ के आना, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कैमरे पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतने गंदे काम जवान से करवाए जाते हैं। तब इन्होंने, हरिंदर जी ने आवाज़ उठाई है, लेकिन उस आवाज़ उठाने का जो फल है वो आज इनको ये मिल रहा है कि ये सिर्फ दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और कोई ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा हो इस जहां में जो एक सैनिक की आवाज़ को सुन सके, जो इनकी आवाज़ को सुन सके, इनके दर्द को महसूस कर सके और इनको न्याय दिलवा सके। बाकी चाहूँगा, यदि आप भारतीय सेना से प्यार करते हैं और इनकी आपको लगता हो कि वाकई ये बहुत परेशान हैं और इनकी कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँचेगी। जय हिंद, जय भारत।